जिला परिषद कांगड़ा के उपाध्यक्ष विशाल चंबियाल ने कहा कि 15वें वित्त आयोग का पैसा आए 15 दिन का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक इस पैसे को जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार समय पर पंचायत चुनाव करवाने की बात कह रही है और दूसरी ओर पैसा अभी तक जारी नहीं किया गया है, जो कि विकास कार्यों पर खर्च होना है। मंगलवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान जिला परिषद कांगड़ा के उपाध्यक्ष विशाल चंबियाल ने कहा कि कोरोना संकट की घड़ी में सरकार को पंचायत चुनाव करवाने की जल्दी पड़ी है, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का पैसा ना जाने क्यों रोका गया है, ये भी पहली बार नहीं हुआ है। चंबियाल ने कहा कि जिला परिषद के बजट को पहले ही कम कर दिया गया, ऐसे में वो राशि भी समय पर न मिलने से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर तो ये होता कि सरकार जिला परिषद के पदों को ही समाप्त कर दे। विशाल चंबियाल ने कहा कि पिछली बैठक में कुछ प्रस्ताव आए थे जिन्हें ये कहते हुए पारित नहीं किया गया कि जब तक 15वें वित्त आयोग का पैसा नहीं आता है इन्हें पारित नहीं किया जाएगा। एक तो जी हमारा पीछे कोई 15-20 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, उसमें हमने सबने डिसाइड किया था कि आज की जो मीटिंग के जो प्रस्ताव है इनको हम पारित नहीं करेंगे, लेकिन 2-3 दिन पहले हमें लेटर आ जाते हैं कि आपके प्रस्ताव जो हैं पारित कर गए हैं। इसका मैं थोड़ा सा विरोध किया है मैंने और हमारे जिला परिषद मेंबरों ने, क्योंकि जो हॉल में डिसाइड हो जाती है बात, अगर उसके बावजूद हमारे चेयरमैन और DPO ने अगर उसको पास कर दिया तो मैं समझता हूँ ये गलत बात है, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और रही उसके बाद 15वें वित्त आयोग की बात, जो हमारा 15वें वित्त आयोग का पैसा था जो कि हमें इन्होंने बताया ही नहीं कि वो पैसे आ गए हैं, आज जब हमने इनको पूछा तो इन्होंने बता दिया जी कि 12,31,31,000 रुपया जो है वो आपका आ चुका है। और अगर वो आ चुका था, हमारे पास वैसे समय एक एक दिन जो है कम है, तो इन्हें ये पैसा जो है हमें बताना चाहिए था। सभी जिला परिषद मेम्बर को अगर ये बता देते तो हम ये पैसा जो है अपने अपने एरिया में लगा सकते थे समय, हमारे पास वैसे समय बहुत कम है। चंबियाल ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से एक फरमान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि यदि किसी के पास 3 हथियार होंगे तो तीसरे का नवीनीकरण नहीं होगा, तीसरा हथियार सरकार के पास जमा करवाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि किसानों ने आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए हथियार रखे हैं, अब ना तो किसान 2 से अधिक हथियार होने पर किसी को बेच सकते हैं और ना ही किसी दूसरे के नाम कर सकते हैं। उन्होंने सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार कर इसे वापस लेने की भी मांग की। हिमाचल प्रदेश में ये जो 3 वेपन अगर किसी के पास है तो उसका लाइसेंस जो है रिन्यू नहीं हो रहा, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि इनका कोई गाइडलाइन कोई ऐसी आई है सेंटर से कि अगर आपके पास 3 वेपन है तो तीसरा वेपन जो है आपको गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा, जो कि बहुत गलत बात है। ये उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, आप किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को क्यों बोलेंगे कि डिपॉजिट करो। अगर आपने इसका लिए नई और देने हैं वेपन देने हैं तो जिनके पास 3 है उनको रहने दें, नेक्स्ट जो है उनको 3 वेपन ना दें। मैं तो सरकार से श्री जयराम जी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इसके लिए आप सेंटर में ये मुद्दा उठाएं, क्योंकि इससे हजारों किसानों को जो है प्रॉब्लम आएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। विशाल चंबियाल ने संक्रमित पाए गए उपायुक्त कांगड़ा के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।